स्थिति क्या होती थी, हम लिखते थे प्रधानमंत्री जी इसका बाईपास होना है, ये मेरे गांव का मेरे इलाके का गरीब व्यक्ति है, ये इलाज के लिए इसको पैसे नहीं है, 2 लाख रुपए इसको कृपया देने का आप अनुशंसा करें। मुख्यमंत्री जी इसकी किडनी का ऑपरेशन होना है, इसको 5 लाख रुपए चाहिए, कृपया आप इसकी अनुशंसा कीजिए। और मुख्यमंत्री हमको 1.5 लाख 2 लाख दे देते थे, अब 5 लाख के जहां चाहिए वहां 1.5 लाख लेकर के हम करेंगे क्या। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को हर साल गंभीर बीमारियों से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर। और ये हेल्थ कवर याद रखना, ये हेल्थ कवर जाति के आधार पर नहीं है, ये गरीबी के आधार पर है। रेड़ी वाला, बेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, लिफ्ट चलाने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठे करने वाला, ऐसे गरीब परिवार को मोदी जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है, ये बदलता है। मैं एमपी था, मेरा लिफ्टमैन मुझे डेली अपने मकान से नीचे छोड़ता था, उसके चेहरे पर मैंने कभी खुशी नहीं देखी थी। मैंने पूछा क्या बात है, तू हमेशा मुरझाया मुरझाया सा रहता है। कहने लगा मेरी श्रीमती को हार्ट की प्रॉब्लम है, 2 लाख रुपए लगने हैं, मैं दे नहीं सकता। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आगे चल करके देश का हेल्थ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन उस समय मैंने राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में उसके बारे में बातचीत की और हमको वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ने कहा बिल बनवा करके भिजवा दीजिए, मैं इसकी व्यवस्था करूंगा। और उसका ऑपरेशन हुआ और पहली बार उस लिफ्टमैन को मैंने हंसते हुए देखा, मुस्कुराते हुए देखा, ये भी हमने गरीबी देखी। गरीब आदमी इलाज नहीं करा सकता था, कैंसर हो जाए तो समझो तुम्हारा मकान बिक गया, तुम्हारा घर बिक गया। आज हर साल 5 लाख रुपए, ये है गरीब आदमी का सशक्तिकरण। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, हम तस्वीरें देखते थे, महिलाएं जा रही हैं 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 3 किलोमीटर पानी लाने के लिए, 4 किलोमीटर पानी लाने के लिए। आज 9 करोड़ 50 लाख लोगों के घर में पानी पहुंचाया जा रहा है, 9 करोड़ 50 लाख। और आपको जानकर खुशी भी होगी और दुख भी होगा, खुशी इस बात की होनी चाहिए कि जल जीवन मिशन ने सबसे ज्यादा पैसा गजेंद्र शेखावत ने राजस्थान को दिया है और राजस्थान को जल जीवन मिशन में पैसा दिया। और दुखदायी खबर यह है कि गहलोत सरकार की सरकार ने भ्रष्टाचार के कारण सबसे ज्यादा घोटाला और सबसे ज्यादा घटिया काम किया है, तो गहलोत सरकार ने किया है, ये भी आपको कहा। 32 स्टेटों में 29वें नंबर पर राजस्थान खड़ा है, बोलो ऐसी सरकार को प्रदेश में रहने दोगे क्या, रहने दोगे क्या, जो तुमको प्यासा मारे इसको रहने दोगे क्या। नवंबर में इनको वोट से प्यासा कर देना, समझ में आ जाएगा, और आगे जिता देना भारतीय जनता पार्टी को, फर्क समझ में आ जाएगा और गजेंद्र जी का पैसा, मोदी जी का आशीर्वाद आप तक मिल जाएगा और पानी पहुंचेगा, ये बात भी आप ध्यान रखिए। मित्रों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख 11 करोड़ लोगों को 2000 रुपए हर चौथे महीने मिल रहा है और डायरेक्ट मिल रहा है, कोई बिचौलिया नहीं, कोई बीच नहीं। मोदी जी एक बटन दबाते हैं और 15 सेकंड के अंदर 10 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 2000 रुपए पहुंच जाता है, ये बदलता भारत है, इसको भी हमको ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, आज भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गई है। हमने जिसने हमको 200 साल राज किया ब्रिटेन, उसको पछाड़ करके हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। और मोदी जी पर आशीर्वाद रखिएगा, बहुत जल्द आने वाले समय में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगी, आगे
आगे बढ़ करके आएगी, ये भी हमको ध्यान। मोबाइल, मोबाइल आपके पास, सबके पास मोबाइल है, आप फोटो खींचते हैं। 9 साल पहले 92% मोबाइल, 92% मोबाइल विदेश से बन करके आता था, चाइना से बन के आता था। आज 97% मोबाइल भारत बना रहा है, भारत में मोबाइल बन रहा है, और इसको भी समझ। एप्पल भी अब यहां बनने लग गया। ऑटोमोबाइल की मार्केट में 3rd नंबर पर है, स्टील के मैन्युफैक्चर में 2nd नंबर पर है। हर दृष्टि से हम विकास कर रहे हैं। खिलौने बनाने वाले में हम तिगुना, हमने अपना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में हम, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। फार्मास्यूटिकल में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया है। दवाई बनाने में दुनिया की डिस्पेंसरी भारत बन गई है। आज इस बात को भी हमको समझना चाहिए, यह बदलता भारत। इसलिए आर्थिक जगत की बात करो, सशक्तिकरण की बात करो, विकास की बात करो, कोई भी बात करो, भारत हमेशा आगे चल रहा है। आपको जानकर खुशी होगी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा पैसा लाभार्थी के खाते में जाए। आपको जानकर खुशी होगी 22,50,000,00,000 करोड़ ये पैसा ट्रांसफर हुआ है, और 2.5 लाख करोड़ रुपए जो बीच में बिचौलिए खा जाते थे उसको बचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात हो रही है, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय जगत की बात करूं तो कोई कहता है मोदी जी यू आर दी बॉस, मोदी जी यू आर दी हीरो, कोई बोलता है आई एम योर फ्रेंड, कोई बोलता है बदलने के सबसे बड़े नेता है तो वो आदरणीय मोदी जी है जो देश में बदलाव लाते हैं, ये बात कही जाती है। लेकिन लेकिन जब मोदी जी की तारीफ दुनिया में होती है और दुनिया के लोग मोदी जी के बारे में तारीफ करते हैं तो यहां कांग्रेस के पेट में मरोड़ होता है। दुनिया तारीफ करती है, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कहता है मोदी यू आर दी बॉस, एलन मस्क बोलता है आई एम योर फैन, कोई बोलता है यू आर दी हीरो, और यहां कांग्रेस को पेट में मरोड़ होती है। वो क्या बोलते हैं, मोदी बिच्छू है, मोदी जी सांप है, मोदी जी नीच है, मोदी जी चाय बेचने वाला है, और वो जितना ये कहते हैं 140 करोड़ की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार होती है और आगे बढ़ती है। इस बात को हमको समझना है, यह है फर्क। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो हाल है वो आपने देखा। अभी देखिए दुनिया में, मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी अमेरिका गए थे मोदी जी, समझौता किस बात का हुआ कि हम स्पेस में इकट्ठा काम करेंगे, समझौता किस बात का हुआ कि क्रायोजेनिक इंजन भारत में बनेंगे, समझौता किस बात का हुआ कि टेक्निकल सपोर्ट हमको आपस में हम करेंगे। यही जब भारत का प्रधानमंत्री पहले जाता था तो चर्चा क्या होती थी, टेररिज्म, पाकिस्तान, हमारा झगड़ा, और वो अंपायर बनते थे। आज कोई पाकिस्तान की चर्चा नहीं करता, भारत भारत है, पाकिस्तान जहां खड़ा है वो आपको मालूम। ये कांग्रेसी अनपढ़ महंगाई की बात करते हैं, खाने की सामग्री में महंगाई भारत की 2.7% है, 2.7, पाकिस्तान 48.75 है, अमेरिका 5.4 है, यूके 8% के लेवल से महंगाई हो रही है, रशिया 11% से महंगाई हो रही है, जर्मनी 9% से महंगाई बढ़ रही है, और भारत 2.7 पर खड़ा है। ये हमको समझना चाहिए, ये भारत का विकास नहीं है। इसलिए हर दृष्टि से देखिएगा, विकास ही विकास। अब आप राजस्थान की बात लीजिए, बताइए यहां नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहे। मोदी जी ने वो दसवा तक, दौसा तक वो सड़क 6 लेन बना दी कि नहीं बना दी, बना दी कि नहीं बना दी। उससे बताइए बूंदी से लेकर, कोटा से लेकर, हमारे दौसा से लेकर के सबको लाभ हुआ कि नहीं हुआ, सबकी जमीनों के दाम बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। ये विकास की कहानी है।
कहीं मेट्रो बन रहा है, कहीं अंडरपास बन रहा है, कहीं ओवरब्रिज बन रहा है, कहीं एलिवेटेड रोड बन रहा है। 5000 किलोमीटर की सड़क राजस्थान राजस्थान में बनी है, 5000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे की सड़क, और 54000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। यूपीए के टाइम में एक दिन में 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, मोदी जी के टाइम में प्रतिदिन 29 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनता है। ये विकास की बात। रेल की पटरी 5 किलोमीटर बिछती थी, आज 8 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेल की पटरी बन रही है। विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। यहां भरतपुर में आया हूं, मुझे खुशी है, वसुंधरा जी समय मुख्यमंत्री थी, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, हम लोगों ने यहां पर 23 मेडिकल कॉलेज दिए, 23 मेडिकल कॉलेज, 11 मेडिकल कॉलेज चल पड़े हैं, और भरतपुर को भी मेडिकल कॉलेज दिया है। यह भी आप ध्यान में रखिएगा, विकास के लिए दृष्टि से आप आगे बढ़ाए। जल जीवन में पैसा दिया जा रहा है, विकास के लिए दिया जा रहा है, हर दृष्टि से नेशनल इंस्टीट्यूट आ रहे हैं, रेल की नई पटरियां बन रही है। आपके सारे रेलवे लाइन इलेक्ट्रीफाई कर दिए कि नहीं कर दिए, सारों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया। इसलिए विकास को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है और उसको बखूबी आगे बढ़ाया है, यह भी हमारे सबके सामने। ये वंदे भारत ट्रेन अजमेर से चलती है और दिल्ली कैंट से चलती है अजमेर। ये कभी सोचा था कि इस तरीके से, ये वंदे भारत ट्रेन नहीं है, ये भारत के नए भारत के निर्माण का रास्ता है। उस बात को भी हमको समझना है। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि गहलोत जी की सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई। इनके पत्रकार मेरी बात नोट कर लेना, इन्होंने एक एक अपने एमएलए को भ्रष्टाचार का खुला लाइसेंस दे रखा है, और भ्रष्टाचार एक नहीं अनेकों तरीके से हो रहा है। आप बताइए, आपके यहां कोई काम बिना भ्रष्टाचार के हो सकता है क्या? बिना घूस के होता है क्या? बिना वो अंदर से पैसा दिए होता है क्या? आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार। गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखो, तुम लूट लो जितना लूटना है, झूठ है लूट की ले लो जितना मर्जी, यह है गहलोत का प्रिंसिपल, आकंठ भ्रष्टाचार। दूसरी बात, कानून भी एक जैसा नहीं है, कानून भी अलग अलग है। अगर कोई हिंदुओं का त्यौहार होता है तो अलग तरीके से देखा जाता है, अगर कोई त्यौहार दूसरे मजहबों का होता है तो अलग तरीके से देखा जाता है। ये गहलोत सरकार का तुष्टीकरण का नतीजा है, तुष्टीकरण का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात आप बताइए, इसी जिले की मंत्री का पति दुष्कर्म के केस में फंसा है कि नहीं फंसा है? फंसा है कि नहीं फंसा है? इसी जिले का एनएमओ मंत्री, उनका हस्बैंड, उनका शौहर दुष्कर्म के केस में फंसा है कि नहीं? अपहरण में फंसा है कि नहीं? गहलोत सरकार ने उसको बचाने की कोशिश की है कि नहीं? ये है भ्रष्टाचार को साथ देने वाला और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने वाली गहलोत सरकार, आप इसको समझ करके रखिए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो ब्यूरो रिपोर्ट है, एनसीआरबी जो है, एनसीआरबी के तहत रेप में दुष्कर्म में राजस्थान नंबर एक पर खड़ा है, नंबर एक। ऐसी आप स्थिति आकर के खड़ी है, महिलाओं का को कहीं भी सुरक्षित नहीं है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं, और सिर्फ परिवारों को बचाने के लिए वोट की खातिर काम कर रहे हैं। मित्रों देखिएगा एक बात, आप अगर आरजेडी को वोट देते हैं तो आप लालू के परिवार को वोट देते हैं, आप अगर समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं तो आप अखिलेश के परिवार और उनके बच्चों के लिए वोट देते हैं, अगर आप
उद्धव ठाकरे शिवसेना को वोट देते हैं तो आप उद्धव ठाकरे के परिवार को परवरिश करने के लिए वोट देते हैं। आप अगर एनसीपी को वोट देते हैं तो शरद परिवार के परिवार को फलने फूलने के लिए वोट देते हैं। आप अगर ममता को वोट देते हैं तो आप ममता के परिवार को, उसके अभिषेक भतीजे को फलने फूलने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए वोट देते हैं। आप अगर तेलंगाना में केसीआर को वोट देते हैं तो उसके परिवार को फलने फूलने के लिए वोट देते हैं। आप अगर वाईएसआरसी को वोट देते हैं कांग्रेस को तो आप वहां पर जगन रेड्डी के परिवार को वोट देते हैं। लेकिन अगर आप मोदी जी को वोट देते हैं तो याद रखिएगा आप देश के लिए और अपने बच्चों के लिए भविष्य के लिए वोट देते हैं। ये आप याद रखिए। इसलिए मैं आपको ये कहने आया हूं, बताइए देश में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार मजबूती से चल रही है ना, आपका विकास कर रही है ना। मोदी जी के विकास के पैसे को नीचे आने में गहलोत का भ्रष्टाचार चल रहा है ना, इस भ्रष्टाचार को मिटाना है ना। अगर मिटाना है तो राजस्थान में कमल खिलाना है, खिलाना है, खिलाना है। मित्रों, आपका ज्यादा समय ना लेता हुआ फिर से 9 साल बेमिसाल सेवा, सुशासन और करीब कल्याण, इसके लिए समर्पित है। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।